ये देखो भाई सनसेट कितना सुंदर लग रहा है ना यार। ये देखो ये भाई फॉरनर खूब तुम्हारा जोड़ा अच्छा है। सब गाइस क्या हाल है, तो भाई नए व्लॉग में आपका स्वागत है। देख जिगर की तरह तेरे भाई के बोले मेरी नाक बह गई है, मेरा गला नाक सब बैठा पड़ा भाई, तो अभी दवाई भी लेते हैं जुकाम की। तो भाई अब आ गया अपना कोकोनट वाटर, ये रखा एक ये रहा, अब दिन की शुरुआत होगी। तो भाई जिस गली में मेरा कजन रहता ना वहाँ उस गली में सारे उसके दोस्त है और मेरे भी दोस्त बन चुके हैं जब से मैं आऊँ। तो एक दोस्त का उसका बेटा हुआ था कल रात को, तो उसकी सजाई चल रही है। और ये भी हमारा दोस्त ही है, क्या नाम है इसका, छोटू इसका छोटा ही है भाई। सोच तो यहाँ पे मैं जा रहा हूँ अपने काम पे कौन सी जगह है मेरी जान, जब से यहाँ मैं आऊँ ना मैं रबड़ी का शौकीन हो गया। डेली सुबह नाश्ते में रबड़ी चाहिए भाई, ताजी। भाई अभी अपन आ गए थे रबड़ी खाने यार, ये आ गई भाई अपनी रबड़ी। सुबह का मेरा यही नाश्ता है रबड़ी और कोकोनट वाटर, क्योंकि भाई मेरी बॉडी थोड़ा ऑयल खा के भाई परेशान हो गई है। तो भाई मैं अभी आ गया था इसके घर और फटाफट से अब नहा लेते हैं भाई। कितनी देर में आ रही हो, इसी की दोस्त है, कितनी देर में आ रही है? 15-20 मिनट में है, रहा नहीं जा रहा। खुशी देखो भाई खुश क्यों हो रहा, अच्छा ये बताओ आदमी खुश क्यों होता है इतना? जीवन में आती है आदमी की मुस्कुराहट छूट जाती है, बाप की लात पड़ती है छुआड़े में तो कैसा लगता है, फिर भाई सुरसुरी छूट जाती है। सो मैं भाई नहा धो के आ गया हूँ, और बट मैं वो अलग नहीं रहा क्योंकि भाई मेरे पे दो ही जोड़ी कपड़े वो थे और जो ये कल मैं खरीद के लाया था। अभी क्या मैंने अक्षत को फोन करा, मैंने यार बस में रखवा दे कपड़े यार, 4-5 दिन में यहीं रहने वाला हूँ, तो मैं तो बताइए क्यों रहने वाला हूँ। साले फोन आ रहे, कितने बजे का टाइम था? 4 बजे का। कह रहा बस बस भाई है भाई, मैं तो यूपी का आके यूपी वालों का जगह हो गया हूँ मैं तो भाई अभी चलते हैं, मैं थोड़ा सा नर्वस हूँ, देखते हैं भाई वृंदावन में कहाँ घुमाते जाएंगे। तो भाई अभी अपन फिलहाल लोकेशन पर पहुँच गए 100 फुट रोड पे, तो यहाँ हमारा मीटिंग पॉइंट है भाई। 4 बजे का था, 4:15 हो गया है। हाँ आगे गली के बाहर ही खड़े हैं। हाँ, बस हम 1 मिनट। भाई अपना भाई आ गया भाई, तो हमारे दूसरे भाई की शादी का कार्ड छप चुका है। तो भाई ये अतुल वेट्स पंखुड़ी, अतुल इसका छोटा भाई है, तो इस 10 दिन बाद ही शादी थी। तो भाई ये मोबाइल नंबर पे फोन मत करना भाई, परेशान कर देंगे भाई, देखियो। तो निमंत्रण है, किसी को भाई हाथरस में मिलना है तो इस मैरिज हॉल में आ जाना भाई। कब? 14 फरवरी को इस मैरिज हॉल में आऊंगा, करीब 8-9 बजे आ जाना भाई मिलने। तो भाई अभी सीन हो गया था, जहाँ रुके थे वहाँ सब्सक्राइबर ही सब्सक्राइबर आ गए। भाई ये और इसका भाई लड़की का भाई डर गया, अन्नू नाम है लड़की का। तो मैंने अब मेरी भाई यहाँ से चलो भाई, मेरी कॉलोनी इकट्ठी हो गई है, तो मैंने ठीक है आगे चल के बात करते हैं। तो वो उस गाड़ी में, मेरे भाई की गाड़ी में क्या हो, मैं भूसा में चल रहा हूँ। तो भाई अपन आ गए हैं राधा वैली, राधा वैली में उससे मिलाते हैं आपको। तो भाई अब अपन आ गए हैं राधा वैली में और आपको अब अपने नए दोस्तों से मिलाते हैं। कहाँ जा रहा भाई? तू तो दूर ही भग गया। तो ये है हमारे नए दोस्त, ये है, नाम बताओ यार फिर से अपना। ये अनु शर्मा है और ये इसका भाई है, नाम क्या भाई? काना। क्या भाई यहाँ सबके नाम काना ही है क्या? है मथुरा में जिसका नाम काना काना है और माखन सही है। तो भाई ये तुम्हारा सगा भाई है? अच्छा मामा का लड़का है। तो भाई आज कहाँ ले जा रही हो, आज अपने को कहाँ घुमा रही हो पकड़ना? तो वृंदावन ये कह रही थी भाई, वृंदावन बहुत सुंदर है घूम के आते हैं। तो यार मैं तो तुमसे कह रहा था यार बाइक पे चलते यार। भाई इसको थोड़ा ना मतलब थोड़ा हेजिटेशन हो रही है, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, तो बाइक मैंने अंदर लगा दी है, चलते हैं अपनी गाड़ी से। भाई अभी अपन आ गए हैं वृंदावन वाले गेट पे। तो भाई वृंदावन यहाँ से कितनी दूर है? अच्छा 1.5 किलोमीटर है भाई। तो अभी सबसे पहले अपन जा कहाँ रहे हैं भाई? मंदिर जाना है, इस्कॉन टेंपल जाना है, या फिर रंग जी के मंदिर जाना है, बहुत सारी जगह है, आप बताओ। अच्छा तुम्हारा कौन सा फेवरेट टेंपल है भाई? अगर देखो प्रेम मंदिर जाना है तो थोड़ा अंधेरा हो जाए तब चलेंगे, तब वहाँ लाइटिंग हो जाती है, तो अभी इस्कॉन चलते हैं। तो भाई यहाँ कलेश चल रही है भाई, पुलिस वाले आ गए भाई, जाने नहीं देते क्या भाई? तो भाई यहाँ पे बैरियर लगाए थे, अंदर नॉर्मल टूरिस्ट को जाने नहीं देते भाई। अच्छा तो अपनी गाड़ी खैर लोकल नंबर प्लेट है, तो भाई इसलिए अंदर जाती जा रही है, कोई दिक्कत नहीं आ रही भाई। तो भाई ये है वृंदावन भाई, काफी भीड़ है। ये परिक्रमा मार्ग है, यहाँ पर परिक्रमा लगाते हैं। अच्छा तुमने लगाई है परिक्रमा? हाँ जी काफी बार।
अच्छा, और कहाँ कहाँ की लगाई है भाई? गोवर्धन की लगाई है? गोवर्धन की लगाई, वो काफी बड़ी मैंने लगाई है गोवर्धन की। और किसी 24 किलोमीटर की होती है गोवर्धन की लगाई है बस। चलो भाई, तो ये वैसे कितने किलोमीटर की होती है? 12 किलोमीटर की होती है भाई, 12 किलोमीटर की होती है भाई परिक्रमा। अब यार किसी दिन टाइम मिले ना, सारे परिक्रमा मारने आते हैं। चलो भाई किसी दिन ना प्लान बनाएंगे भाई। सारा ना परिक्रमा मार के, और रास्ते में ना लोग वो भी करते हैं, क्या कहते हैं यार, क्या करता मैं, भंडारे। हाँ भंडारे, तो भंडारा भी मिलता है रास्तों में, तो दिखाता हूँ। खिचड़ी, कोई पानी बांट रहा है, कोई फल बांट रहा है, कोई पूरी सब्जी बांट रहा है। तुमने कुछ बांटा था? हाँ बांटा है ना। क्या प्यार, पूरी सब्जी है, पूरी सब्जी। भाई साहब, भाई साहब, ये क्या है पीछे? नहीं नहीं, सीधा मत हो, पीछे दिखाना आगे से। कहाँ से आए हो आप? दरभंगा बिहार से चले हैं। 5 जनवरी को अयोध्या होते हुए मथुरा कपिला वन का दर्शन करने के बाद शनिदेव स्थान उज्जैन के बाद महाराष्ट्र शनि सिंगापुर तक डेली 40-35 चलते हैं। अच्छा, अभी 1 महीना 2 दिन में हम वृंदावन पहुंच गए हैं। अच्छा, वृंदावन आज दर्शन करेंगे, उसके बाद प्रेम मंडल, कोकिला वन, गोवर्धन, सभी का आशीर्वाद लेने के बाद उज्जैन के रास्ते महाराष्ट्र चले जाएंगे। अच्छा, यात्रा 2 महीना मेरा और बचा हुआ है। चलो जी, आराम से जाना। कितने पैसे खर्चोगे पूरी यात्रा में? अभी यात्रा में तो अभी 1 महीना 2 महीना में 15-18 हजार रुपया का खर्च अपना पर्सनल हो चुका। पर्सनल जितना, और बाकी लोगों ने बीच बीच में दिया, वो भी खर्च हुआ। किसी का दान पुण्य भी किए, कहीं दान मिला भी, कहीं दान भी, कोई ना लोग देंगे दान। केसी घाट का है? केसी घाट के लिए एक काम करिए, बताओ। सीधा उधर जाने नहीं देगा, इधर राइट वाली ले लीजिए, राइट लेके फिर लेफ्ट ले लीजिए, वो परिक्रमा मार्ग आ जाएगा, फिर उससे राइट ले लीजिए, DIP रोड से सीधा फोटो कैसे जाए। लेफ्ट ले लीजिए, राइट। बादल धूप भी थी भैया। केसी घाट जाना भाई, ये वृंदावन के बंदे हैं ये। यार यार, तुम दोनों में से किसी को रास्ता नहीं पता भैया? यार भटक गए, बाइकों से आते तो पता लग जाते, गाड़ियों से एक तो पता नहीं लगती किधर जा रहे हैं। तो भाई अभी अपन घूम पैदल पैदल चल रहे हैं भाई, गाड़ी हमारी लगवा दी है। ये देखो भाई, सारा दिल्ली का क्राउड आता है। मैं इनसे पूछ रहा है यार, बोटिंग करने चलते हैं। बोटिंग करने चल रहे हैं तो केसी घाट पे होती है बोटिंग है। तो भाई अभी अपन ने टिर्री कर ली है, वो कहा जा रहे भाई? केसी घाट। तू बहुत खुश है भाई आज, ऐसा क्यों? पहली बार जा रहा है? मैं हमेशा खुश रहता हूं। ये देखो भाई सनसेट कितना सुंदर लग रहा है ना यार। तो भाई अभी अपन आ गए हैं पुल पे भाई, सारे बैठने यहाँ पे। तो भाई इसकी जैकेट रह गई है, नाक बहेगी बेचारी की, ठंड लग रही है भाई इसको। जैकेट भूल गया गाड़ी में। गाड़ी में रह गई क्या? अपनी जैकेट उतार उतार। नहीं होता, हुड़ी पहनी हुई है वैसे। हाँ तो क्या, उतार, ये होती है दोस्ती। अरे पहन लो, बीमार हो जाओगी। कल भी ब्लॉग घाट है। अच्छा अच्छा, और हमारे वृंदावन में बहुत सारे घाट है। सुंदर। अच्छा अच्छा, तो भाई ये लाइन से ना सारे घाट है, और घर घाट का नाम अलग अलग है ना, तो लोग नहाते भी है क्या यहाँ पे? नहाते तुम नहीं हो यहाँ पे? भाई पानी ना थोड़ा सा काला ही है थोड़ा, बट ठीक है। तो अभी भाई सनसेट हो रहा है, कितना सही है ना, मस्त हो रहा है यार सनसेट।
है, बहुत सुंदर जगह है भाई। ये पुल मैं पहली बार देख रहा हूँ। ये देखो भाई कैसे बना रखा है पुल भाई। ये कौन सा पुल है भाई? तो ये बनवा रही है अपनी रील, ये भी इंस्टाग्रामर है। वहाँ देखो दीपदान चल रहे हैं, वहाँ पे दीप चला के गए हैं। इन्हें अभी जैकेट पहनानी पड़ी। तो भाई उसका फेस भाई पता ही पिंक हो गया भाई, ये दिखाना सामने चेहरा। तो मैं जुकाम जल्दी लगता है क्या? अच्छा गजब भाई, क्या लड़कियाँ होती है सेंसिटिव है भाई थोड़ा। यहाँ क्या चल रहा है? यहाँ भी सेंसिटिव मैटर चल रहा है, दोबारा चल रहा है पैसे का। तो भाई अभी अपन आ गए हैं गाड़ी में और ये लोग जो हमें घुमाने आए थे यार क्या बात कर रहा है यार। ओ भाई शिट, टायर पंचर हो गया। अब तो फंस गए भाई, अब तो वृंदावन में फंस गए भाई। अरे तुम्हारी चाय यहाँ ऐसी तैसी हो गई भैया, तुम मेरे को चाय पिलाओ, यहाँ पे दो घंटे लगेंगे। टायर पंचर हो गया भाई साहब, दुख तो मेरे को भी है भाई साहब। भाई साहब नहीं नहीं लो यार, मैं दे रहा हूँ छोड़ो। लो भाई साहब तुमने मेरे को दुख दिखाया तो लो, दे दिए दे दिए दे दिए यार। चलता है मेरी जिंदगी में ना दुख लिखे हुए हैं भगवान ने ना। भगवान ऐसा नहीं करेगा, कैसा करेगा? पक्का? और इसकी अरे सब का ही भगवान के ऊपर दुख सुख का जोड़ा एक ही है। हैं तो तुम्हारा क्या सीन है, तुम्हें ज्यादा दुख मिले हैं ज्यादा सुख मिले? मुझे हाँ, मुझे तो वालू अब तक दुख ही दुख मिला है बाबू, ईमानदारी में। अपनी फैमिली के शादी क्यों नहीं करी तुमने भाई? नहीं नहीं नहीं, क्यों नहीं करी शादी? ऐसा हुआ था मेरी भाभी खत्म हो गई थी, भाभी खत्म होने में हमारे ससुरालियों ने दहेज मांग लिया था। जब ही उम्र पे था मैं 5 साल जेल काटा था, ये चक्कर हुआ। मथुरा? मथुरा। बेल किसने कराई? बेल मेरे भाई भाई और माँ बाप हुए जब, तो अब तो कोई नहीं है। ये देखो भाई कितनी भीड़ जा रही है भाई। अबे कहाँ जा रही है भीड़? ये सब दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। इतनी भयंकर भीड़ भाई? ये तो कुछ नहीं है, फ्राइडे सैटरडे संडे को यहाँ पे आपको पैर रखने की जगह, पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। इस जगह हमारी गाड़ी चल रही है ना, पैर रखने की जगह भी नहीं होती। अच्छा, हरे कृष्णा हो रही है भाई यहाँ तो पूरी। ये देखो भाई, तो ये पूरा आगे इस्कॉन टेम्पल कितना सुंदर है भाई। दर्शन हो जाएंगे इतनी भीड़ में? हो जाएंगे भाई। ये क्या ड्रेस है? गोपी ड्रेस है। तो ये पहन के मतलब ड्रेस कोड? ज्यादातर लड़कियां ऐसी आती हैं गोपी ड्रेस। अच्छा गोपी ड्रेस है। और लड़के? कुर्ता पजामा ट्रेडिशनल। ये देखो भाई ये आई थी साड़ी पहन के। गजब। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। ये है इस्कॉन टेम्पल। ये देखो ये भाई फॉरनर्स। तो भाई फॉरनर्स प्रॉपर यहीं रहते हैं 24 घंटे यहीं रहते हैं मंदिर में? ओ भाई यहाँ अंदर डांस वांस भी चल रहा है भाई। आगे तो भाई आप अपने घर से गोपाल जी लाए और यहाँ पे दर्शन करा रहे हैं भाई। ये देखो बहुत बढ़िया भाई, यह अलग ही वाइब है। कृष्णा कृष्णा हरे हरे। क्या डांस हो रहा है, वाह भाई वाह। तो देखो भाई सारे डांस कर रहे हैं, ये बहन जी भी डांस कर रही है। रुक जाओ और फोन साइड में रखते हैं, जाने का मन नहीं करेगा। इतने भजन और डांस बहुत मतलब मेलोडी है एक नंबर है भाई। भाई यहाँ तक भाई उसकी फूलों की खुशबू आ रही है यहाँ तक, है ना। पैसा तो तुम अपना बनाओगी।
भैया तो तेरे पास भैया बड़ी नहीं है। हाँ भैया एटीएम है। अरे मेरी कोई बंदी थोड़ी है। खूब है खूब तुम्हारा जोड़ा अच्छा है। भाई इसने जोड़ा भी बना दिया भाई। तो भाई सीन ऐसा, अपन ने खूब खाया पिया तो वो तो अभी भी खा रही है पी रही है। तो भाई अभी अपन ने टिक्की खाई, कुलचे खाए, दूध पी रहे हैं। भाई कैसा रहा भाई आज का दिन? मेरा बढ़िया रहा। पहले मैं इस आशिक को देख रहा हूँ, दिल टूटे आशिक को। भाई क्या हो गया, दिल टूटा हुआ तेरा? कुछ नहीं यार, वो अपने आप लग गए। दिल टूटा है ना तेरा? सही से बोल, दिल टूटा है, टूटा भाई। यार तुम्हारा फिर चला दिया तूने यार। यार, यार, यार कमाल कर दिया यार। अच्छा तो अब समझ आया व्लॉगिंग क्या होती है? तो भाई अपन ने इनसे पहले बात करी थी तो ये थोड़ा मतलब हेजिटेट सी हो रही थी कि भाई क्या होगा, कैसे करना है, क्या है। बट अब थोड़ा ना कैजुअल रहता सीन है ना, जैसे दोस्त यार घूमते हैं। चलो बढ़िया, अच्छा लगा इसको। तो भाई कल कल का सीन है फिर? भाई मिलोगी कल? चलो कल देखते हैं गाइस क्या करा जाए। अभी एक बार ये ना कमेंट करके बताना भाई क्या करा, या तो प्रैंक करा जाए इसके साथ, चैलेंज करा जाए, या कुछ सरप्राइज करा जाए। चलो गाइस कल मैं आपके लिए कुछ सरप्राइज लेके आऊंगा भाई इसी बात पे, ठीक है? वो सस्पेंस ही रहेगा लेकिन वो बहुत तगड़ा होगा भाई, तुम्हें भी उम्मीद नहीं होगी। क्या बोलता भाई? उम्मीद तो यार किसी चीज की नहीं। तू रहने भाई। तो भाई कुछ सब्सक्राइबर आ गए थे भाई जब मैं बाइक लेने आया था, तो ये सारे भाई बिल्डिंग के नीचे घूम रहे थे भाई। भाई पूरी बिल्डिंग में मुखबरी होगी होगी भाई कहाँ लगी है इस कोने में। तो भाई अभी हमारी दोस्त जा रही है, जा रही है। चलो भाई अब जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट। तो भाई मेरे सारे दोस्त तो चले गए, अब मैं आ गया कुछ खाने यहाँ 100 फुटा पे रोड पे। तो यहाँ पे बनती है चाप, चाप पीस फ्राई करके और इसमें प्याज और ये डाल देते हैं नमकीन। तो भाई अभी हम सारे निकले थे, मोहित भाई मैं और ये भाई, ये पीछे लगा पड़ा भाई। किससे बात कर रहा भाई? जानवी, जानवी डार्लिंग। अरे यार पतला, अब तू सुन, बताने वाली बात तू चल बता देगी, अब तू कुछ एंडी पेंदी बातों को बोलेगी भोंकेगी तो फिर क्या होगा उसका? This is your love. यार तू बता, यार तू बता। ये भाई 24 घंटे फोन में लगा रहा था भाई लोंडिया से भाई। तो यहाँ पे भाई बता रहे थे भाई, यहाँ जितने भी गेस्ट हाउस है अगर सीजन होता है तो भाई कितने रुपए का गल्ला भाई यहाँ पे? 5-5-6 लाख रुपए। दो दो तीन तीन दिन में भाई यहाँ मोटी कमाई है। तो भाई मैं बस जगह देखने आया था कि कोई जगह है खाली गेस्ट हाउस की, क्या है क्या नहीं। तो भाई पूरा सिस्टम समझा रहे थे, अगर फ्यूचर में हमें पैसे जुड़े तो भाई यहाँ मैं सोच रहा हूँ गेस्ट हाउस डालने की, बढ़िया कमाई है, इन्वेस्टमेंट के पर्पस से सही है। तो भाई ये देखो गिरिराज जी का मंदिर है भाई, बहुत ही सुंदर है भाई। ये देखो ये रात भर दर्शन होते हैं क्या भाई? अरे वाह भाई वाह, ये देखो गिरिराज जी का, देखो ये अरे गिरिराज जी बहुत सुंदर। गोवर्धन आते हैं तो भाई सबसे पहला मंदिर यही पड़ता है मेरे ख्याल से, यही मेन मंदिर है गोवर्धन, यही गिरिराज जी का मंदिर है जिसके लिए गोवर्धन आते हैं। अच्छा तो भाई ये परिक्रमा राव रोड पे रुके हैं, तो यहाँ पे कुछ लोग दो चल रहे हैं, इनसे पूछ। परिक्रमा लगा रहे हो जी? अच्छा तो आज ही के दिन क्यों लगा रहे हो? आ तो कोई भी नहीं है। कहाँ पे? यहाँ परिक्रमा पोल लेकर जा रही है भैया। अच्छा तो महीने में लगाते हो? महीना में लगाते भैया, 6 महीने के बाद। 6 महीना में एक बार यार। तो भाई वैसे तो परिक्रमा ये कह रहे हैं लोग कभी भी लगाते जब मन हो, बट इसका भी सीजन होता है। सीजन कब होता है भाई? जैसे फाल्गुन का महीना, मार्च एकादशी वगैरह ये सब। अच्छा उस टाइम पे लगती है भाई। क्या रोड है भाई, बहुत सुंदर। और यहाँ पे खाने वाने का ना पूरी रात ही खुला रहता भाई गोवर्धन की। ये भाई भक्ति देखो भाई, फुल डांस चल रहा है भाई। हाय गजब है तेरी, रगड़ दिया भाई सुट्टा है तेरी पंडित जी देख। भाई उम्र क्या है भाई, उम्र क्या है? तो भाई ये मोहित अपने को एक बढ़िया सी जगह लाया, ये परिक्रमा वाला मार्ग है। तो यहाँ पे एक वो पड़ता है बीच में सरोवर और हवेली सी, बहुत तगड़ी राजाओं की हवेली, बहुत पुरानी है। तो भाई ये देखो भाई, ये बहुत पुरानी हवेली है और ये जो पानी है ना भाई बहुत ही गहरा पानी, सरोवर में पानी गहरा है एवं बड़ी बड़ी शिलाएं भी हैं, अतः सरोवर में नहाना सख्त मना। तो भाई इसकी हिस्ट्री ना इस महल की पूरी ये लिखी है भाई, जैसे दिल्ली में फूड स्टॉल खुले रहते हैं ना तो भाई भाई घर में से ही करते हैं भाई। पिज्जा वीजा घर में बनाते हो तुम ये? घर में बनाते। तो भाई ये देखो ये पिज्जा और ये सब बर्गर भाई लेके आए, तो ये मोहित के दोस्त हैं तो खा रहे हैं और गेड़ी मार रहे हैं। तो ये भाई का पिज्जा है भाई। तो भाई पिज्जा में कितनी वैरायटी रखते हो भाई? ये है 7-8 वैरायटी। तो भाई पिज्जा ट्राई करते हो,
तो पूछते हैं भाई कैसा लगा पिज्जा भाई? बढ़िया भाई, जबरदस्त, एक नंबर। तो मतलब मैं सबसे बढ़िया पिज्जा मैंने ये खाया हुआ, एक नंबर है भाई। नाम से भाई फिर से बताओ तुम। द फंटूस फूडीज़। फंटूस से है भाई, ऑनलाइन मिल जाएगा भाई? हाँ, जोमेटो वोमेटो पे। अच्छा, सो गाइस अभी ये व्लॉग अपन एंड करते हैं और मैं अभी दिल्ली में हूँ और हाय मुझे साथ ही नहीं है, क्यों नहीं।